हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हम ट्रायंगल चैप्टर का 7.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 से, कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज ए पॉइंट ऑन लाइन एल। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू एंगल ऑन एंगल ए। हमें प्रूव क्या करना है, टू शो दैट, हमें शो क्या करना है, पहले वो नोट कर लेते हैं। शो दैट क्या करना है, हमारे पास क्या है, हमें शो करना है ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल ए क्यू बी। फर्स्ट ये प्रूव करना है, फिर सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि बी पी इक्वल होगा बी क्यू के। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट में ये बी पी इक्वल होगा किसके, बी क्यू के। मतलब एंगल ए के लिए क्या है, ये इक्विडिस्टेंट है। पहला दिया क्या गया है, लाइन एल, ये लाइन एल, इसका नाम दिया गया है लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब हमने पहले ही बताया, अगर कोई एंगल का बाइसेक्टर है तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये पूरा एंगल है, इसको लाइन बाइसेक्ट करके जा रही है, तो जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल ये नीचे बनेगा, तो मतलब इसका बाइसेक्ट का मतलब। उसके बाद बी पी एंड बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इस आर्म से, यहाँ से पी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है और पी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें दिखाना क्या है, ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी ये छोटा वाला ट्राइंगल यहाँ पे और ये छोटा वाला ट्राइंगल ऊपर, ए क्यू बी, ये वाला दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट। अगर इन दोनों को कांग्रुएंट शो कर लेंगे तो सेकेंड पार्ट बाई सी पी सी टी से वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो हमें पहला काम क्या है, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कांग्रुएंट शो करना है। कांग्रुएंट शो करने के लिए हमारे पास क्या है, ये लाइन बाइसेक्ट करते हुए गई, इसका मतलब जितना एंगल नीचे बनेगा, जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ऊपर वाला होगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ये है कि दो इक्वल एंगल में डिवाइड हो गया। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जितना एंगल नीचे होगा उतना एंगल ऊपर होगा। अब ये दोनों एंगल मिल गए हैं हमें और ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 बनेगा और यहाँ पे 90 बनेगा, बनेगा दो एंगल इक्वल मिल गए। और यहाँ ए से बी तक ये साइड इस ट्राइंगल में भी कॉमन है और ये साइड नीचे वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है, तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी को लिखना है, हमें क्या करना है, इसी को बस लिख देना है। कैसे हुआ, हमने क्या लिया, दो ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन कौन से, इन ट्राइंगल ए पी बी और कौन सा दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए क्यू बी, ए बी पी ये ट्राइंगल और ए क्यू बी ये वाला ट्राइंगल। हमने क्या किया, एल लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो जितना ये एंगल बनेगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, इसका मतलब एंगल बी ए पी इक्वल होगा किसके, एंगल बी ए क्यू के। ध्यान से देखिए कहाँ पे है ये एंगल बी ए पी, ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, बी ए क्यू, दूसरे वाले ट्राइंगल के इस एंगल के, क्योंकि एल लाइन क्या है, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड करके वो लाइन निकल रही है, ये एल लाइन, ये इसी लाइन का जो ब्लू वाली लाइन जा रही है उसका एल नाम है, तो इसका मतलब वो दो पार्ट में डिवाइड की। और इसके बाद ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ए पी बी 90 है और ए एंगल ए क्यू बी ये भी दोनों 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो इक्वल ही होंगे। और फिर हमें एक कॉमन साइड मिली, ए बी कॉमन साइड मिली, इस ट्राइंगल में भी है और इसी साइड से इस ट्राइंगल में भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब ए बी इक्वल है किसके, ए बी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन है तो कॉमन साइड की वजह से दोनों इक्वल है। अब हमें एंगल, दो एंगल मिल चुके हैं और एक साइड, तो बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल, हमने लिया है ट्राइंगल ए पी बी,
ये कांग्रुएंट हो जाएगा किसके? कांग्रुएंट लिखने का तरीका हमने बताया था कि एंगल ए, अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा एंगल, एंगल ए, ए के इक्वल है तो ए की जगह ए आएगा, पी किसके इक्वल है, क्यू के, तो पी की जगह क्यू आएगा, और बचा बी, और उस ट्राइंगल में क्या बचा, उस ट्राइंगल में भी बी बचा, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गए। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है, अब सेकेंड दिखाना है बी पी, बी पी इक्वल दिखाना है बी क्यू के। यहाँ से देखिए बी पी, ये बी पी है और बी पी की जगह क्या लिखा है बी क्यू, बी पी की जगह क्या लिखा है बी क्यू, तो बाई सी पी सी टी से बी पी इक्वल हो जाएगा किसके, बी क्यू के बाई सी पी सी टी। दोनों प्रूफ हो गए, बस एक ही चीज़ करने से दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट दिखाने से। ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझ लीजिए, रिपीट कर लीजिए फिर से, अगर कम समझ में आया बहुत आसान है, दोनों ट्राइंगल को आपस में हमने सिमिलर दिखाया। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, ऐसा कोई फिगर बना इन फिगर 7.21, ए सी इक्वल है ए ई के, जो गिवन है उसे नोट कर लेते हैं, गिवन क्या है ए सी इक्वल है ए ई के, ए सी इक्वल है ए ई के, और क्या दिया गया है ए बी इक्वल है ए डी के, ए बी इक्वल है ए डी के, और हमें सो क्या कर, और एंगल भी बताया है, एक एंगल बी ए डी, बी ए डी इक्वल है किसके, एंगल ई ए सी के इक्वल है। उसके बाद हमें सो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू सो क्या करना है हमें, टू सो हमें सो क्या करना है, बी सी इक्वल होगा, बी सी इक्वल होगा डी ई के, ये सो करना है। हम फिगर 7 में बनाएंगे, क्योंकि अब हमें कन्फ्यूजन होगी कि बाद में दो ट्राइंगल कौन कौन से कांग्रुएंट दिखाना है, तो 7 में जो ध्यान से फिगर बना रहे हैं वो देखते चलिएगा। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ये ब्लैक से हम अलग बना रहे हैं कि बाद में कन्फ्यूजन हो, एक ट्राइंगल ये है, ये वर्टेक्स से एक ट्राइंगल बना है, और इसी वर्टेक्स से एक और ट्राइंगल बना है, ब्लू वाला बना रहे हैं। अब उसकी साइड अलग है, ध्यान से देखिएगा, ये साइड है और ये ऐसे कुछ तिरछा हो गया है, ये ट्राइंगल एक ये बना है, फिर उसके बाद जो बचा है साइड को उसने मिला दिया है, उसने क्या किया है इसको मिला दिया, ये बस मिलाया है कन्फ्यूज करने के लिए, बस हमें देखना है कि एक ब्लू ट्राइंगल है और एक ब्लैक ट्राइंगल है। ब्लैक ट्राइंगल वाले का नाम है ए बी सी, एक ये ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी, और ब्लू वाला ट्राइंगल है इसी वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स ए से ए डी और ई, और इसमें दिया क्या गया है, हमें दिया क्या गया है ब्लैक वाले की ये साइड, ब्लैक वाले की ये साइड और इस साइड के इक्वल है, और ब्लैक वाले की साइड ब्लू वाले की इस साइड के इक्वल है, और ब्लैक वाले की ये वाली साइड ब्लू वाले के इस साइड के इक्वल है, तो हमें सो क्या करना है बी सी डी ई के इक्वल होगा, मतलब बी सी, बी सी ब्लैक वाले में आ रहा है, ब्लैक वाला इक्वल होगा डी ई के ब्लू वाले साइड के, इसका मतलब हमें ब्लैक वाले ट्राइंगल को ब्लू वाले ट्राइंगल के कांग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। कांग्रुएंट दिखाने के लिए दो साइड तो दी गई है, एक ब्लैक वाले की ये साइड ब्लू वाले की इस साइड के इक्वल है, और ब्लैक वाले की ये वाली साइड ब्लू वाले के इस साइड के इक्वल। ध्यान से देखेंगे तो एक ही वर्टेक्स से दो ट्राइंगल बने, एक नीचे और एक को थोड़ा ऊपर कर दिया गया, तो दो ट्राइंगल बने, इन दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट दिखाना है। और एक और एंगल दिया है, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, मतलब एंगल बी ए डी इक्वल है सी ए ई के, बी ए डी इक्वल है ई ए सी के, हमें साइड मिल गया और एक बीच में एंगल चाहिए। ब्लैक वाले ट्राइंगल में देखिए ध्यान से, ये एंगल पूरा ये है, पूरा एंगल क्या है ये है, और ब्लू वाले में पूरा एंगल कौन सा बन रहा है ये बन रहा है, पूरा एंगल कौन सा बन रहा है ये बन रहा है। इसको दिखाने के लिए हमारे पास केवल सिर्फ एंगल इतना है, और उसमें एंगल क्या चाहिए, ये बीच वाले एंगल को ऐड करना है, एंगल डी ए सी को ऐड करना है। हमें पता है क्या कि ये एंगल इक्वल दिया गया है, इसको इतना एंगल बनाना है, तो इसका मतलब ये छोटे वाले एंगल को खुद से ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे करेंगे, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा जो गिवन है, गिवन क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल डी सॉरी एंगल बी ए डी इक्वल है किसके, एंगल ई ए सी के। हम क्या करते हैं, दोनों साइड डी ए सी को ऐड करते हैं। अगर दो चीज़ इक्वल है, अगर दोनों साइड सेम
एडिशन या सेम सब्ट्रैक्शन किया जाए तो भी आपस में इक्वल रहता है। तो इसका मतलब हम दोनों साइड क्या ऐड करते हैं, एंगल ऐड कर देते हैं, बी ए डी में ऐड कर देते हैं एंगल डी ए सी को, डी ए सी को ऐड कर देते हैं, और एंगल ई ए सी में भी क्या कर देते हैं, एंगल डी ए सी को ऐड कर देते हैं। अब बी ए डी में डी ए सी ऐड करेंगे, बी ए डी यहाँ तक एंगल है और इसमें डी ए सी ऐड करेंगे तो ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ तक, मतलब ये चेंज हो जाएगा बी ए सी में, एंगल ये बन जाएगा बी ए सी, और इधर ई ए सी में, ई ए सी ये वाला एंगल था, इसमें डी ए सी ऐड किया तो पहले इतना एंगल था फिर इतना और ऐड हो गया तो ये एंगल पूरा बन गया। तो इसको बोल सकते हैं ई ए डी, इस एंगल को बोल सकते हैं ई ए डी, ये हमें पहला मिला, एक एंगल मिल गया। अब हमें साइड पता है इस ट्रायंगल की साइड, अब फिर से अगर नोट करना चाहें किस ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एक ब्लैक वाले ट्रायंगल को ब्लू वाले, ब्लैक वाला ट्रायंगल क्या है ए बी सी, और ब्लू वाला ट्रायंगल क्या है, ब्लू वाला ट्रायंगल है ए डी ई। ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल ब्लू वाला क्या है, ए डी ई, ब्लू वाले ट्रायंगल को, ब्लू वाला ट्रायंगल, ब्लैक वाला ट्रायंगल क्या है, ब्लैक वाले में साइड क्या है ए बी, ए बी साइड इक्वल है ब्लू वाले के ए सी साइड के, ए सी साइड के इक्वल है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, ए बी साइड ए सी के इक्वल है, और उसके बाद हमें एंगल हमने अभी दिखाया बी ए सी इक्वल है किसके, ई ए डी के, अभी हमने फाइंड किया ऊपर, और ये गिवन से इक्वल था और ये अभी हमने फाइंड किया। उसके बाद दिया क्या गया था, एक और साइड दी गई थी ब्लैक वाले की, सॉरी ए बी साइड इक्वल थी, ए बी साइड ब्लू वाले के ए डी साइड के इक्वल थी, यहाँ पे भी लिखा है ए सी साइड किसके इक्वल है ए ई के, और ए बी साइड किसके इक्वल है ए डी के, और ए सी साइड इक्वल है किसके ए ई के, ये भी क्या है गिवन है। अब हमें क्या मिला, साइड एंगल साइड, मतलब बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन कौन से, पहला ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल, अब हमें लिखना है ए डी ई को, तो ए इक्वल है किसके ए के ई, तो ए की जगह ए आएगा, फिर सी की जगह क्या इक्वल है ई, तो ई बीच में क्या आएगा डी, हम सो क्या करना था बी सी, अब यहाँ से बी सी किसके इक्वल हो जाएगा डी ई के, यहाँ से लिख सकते हैं बी सी इक्वल होगा किसके डी ई के बाई सी पी सी टी, ब्रैकेट में लिख लेंगे बाई सी पी सी टी। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो ट्राइंगल कन्फ्यूज करने वाले हैं, एक ऐसे बना है फिर हमें लगेगा कि ये दोनों ट्राइंगल एक ही हैं, ये दोनों ट्राइंगल के एक ही साइड हैं, नहीं ये ट्राइंगल ये पूरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल है और ये ब्लू वाला ट्राइंगल ये दूसरा ट्राइंगल है, तो ये एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा समझ में आएगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखिए क्या कह रहा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी, गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 7, गिवन क्या है, पी इज मिड पॉइंट है किसका, एक लाइन सेगमेंट ए बी का पी इज मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब बीच वाला, सबसे मिडिल में, मिड पॉइंट ऑफ एंड डी एंड ई पॉइंट ऑन द सेम साइड, डी और ई सेम साइड पे पॉइंट है, सच दैट द एंगल बी ए डी इक्वल है ए बी ई के, एंगल क्या है इक्वल है बी ए डी इक्वल है किसके, एंगल हमारे पास क्या है ए बी ई, ए बी ई के इक्वल है। उसके बाद क्या बोला गया है, एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल है डी पी बी के। उसके बाद सो क्या करना है हमें, सो क्या करना है, टू सो, सो करना है दो चीज़ें, फर्स्ट चीज़ है हमारे पास एंगल ट्राइंगल डी ए पी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके, एंगल ट्राइंगल ई बी पी के, और सेकेंड पार्ट क्या है इसी का, ए डी इक्वल दिखाना है बी ई के, ए डी इक्वल दिखाना है बी के, प्रूफ हमारे पास। अब देखिए हमारे पास फिगर क्या है, फिगर ध्यान से देखिए, फिगर क्या है, ए बी एक लाइन है उसका पी मिड पॉइंट है, हमने ब्लू और ब्लैक से बनाया कि हमें दिखे कि कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बी ए डी बी ए डी बी ए डी ये वाला एंगल इक्वल है किसके ए बी ई के, ए
बी ई, मतलब एक बार क्रॉस किया है तो मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हमें सो क्या करना है, डी ए पी ये वाला ट्राइंगल, ब्लैक वाला ट्राइंगल ब्लू वाले के कांग्रेंट शो करना है। तो हमारे पास क्या है, ये मिड पॉइंट है, मतलब जितनी लाइन ए से पी तक की होगी उतनी लाइन पी से बी तक की होगी, मतलब इस ब्लैक वाले ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल है और एक एंगल भी इक्वल है। एक एंगल और चाहिए, ब्लैक वाले में कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल ये बन रहा है, पूरा एंगल ये बन रहा है, लेकिन हमें दिया क्या गया है, सिर्फ इतना एंगल इक्वल है। तो फिर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, इतना ऐड करके पूरा एंगल बनाया था, उसी तरह ब्लैक और ब्लू वाले में दोनों में इतना ये एंगल ऐड करेंगे, ई पी बी ई पी डी ऐड करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ई पी ए या ई पी ए इक्वल है, ई पी ए एंगल इक्वल है हमारे पास किसके, एंगल डी पी बी। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, बोथ साइड हम एक सेम एंगल ऐड करते हैं, कौन सा एंगल, जिस एंगल की कमी है ई पी डी, इस एंगल को ऐड करने से क्या होगा, ये ब्लैक वाले ट्राइंगल का पूरा एंगल बन जाएगा, ये ब्लैक वाले ट्राइंगल का पूरा एंगल बन जाएगा। हमें दिया क्या है, सिर्फ इतना एंगल दिया है, अगर इसे पूरा बनाना है तो इस एंगल में ऐड क्या करना पड़ेगा, ई पी डी, और जो चीज़ एक साइड करेंगे दोनों साइड करेंगे, डी पी बी में भी क्या ऐड करेंगे, ई पी डी ऐड किया। अब ई पी ए में, ई पी ए इस एंगल में ऐड किया ये वाला एंगल, तो ये पूरा बन जाएगा ए पी डी, ये एंगल बन जाएगा ए पी डी, ये इक्वल किसके हो जाएगा, अब इस एंगल में भी ये एंगल ऐड किया, इस एंगल में ये ब्लैक वाले में ये जो गैप है उसको ऐड किया, तो ये बन गया ई पी बी, ये एंगल बन जाएगा ई पी बी। अब इस ट्राइंगल में देखिए, दोनों ट्राइंगल, ब्लैक वाले ट्राइंगल में ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के ब्लू वाले के, और इसके बाद हमने क्या दिखा दिया, हमारे पास एक साइड गिवन है, हमारे पास साइड गिवन है ए पी साइड इक्वल है किसके, ए पी साइड इक्वल है पी बी के, क्योंकि ये पी क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी इज मिड पॉइंट, इसके वजह से क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए, मिड पॉइंट था इसलिए इक्वल। फिर उसके बाद ये एंगल इक्वल दिया गया था, ये एंगल कौन सा था, बी ए डी एंगल इक्वल था किसके, एंगल ए बी ई के, तो यहाँ से हमें मिला एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, तो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, दो ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, पहला ट्राइंगल क्या था हमारे पास, डी ए पी ब्लैक वाला ट्राइंगल, ये कांग्रेंट किसके हो जाएगा, ब्लू वाले ट्राइंगल के, ब्लू वाला ट्राइंगल क्या है, अब ए इक्वल हुआ था बी के इक्वल, और ये एंगल पी वाला पी के इक्वल हुआ था, तो इसका मतलब पी पी की जगह पे ही आएगा, तो पी की जगह पे पी लिख सकते हैं, ए वाला एंगल की जगह बी लिख सकते हैं, डी किसके इक्वल हुआ था, डी ई के इक्वल हुआ था, तो ये कांग्रेंट हो गया। अब सेकेंड पार्ट इसी से बाई सी पी सी टी से ही आ जाएगा, ए डी यहाँ पे देखिए, ए डी यहाँ पे लिखा है, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ई बी के या बी ई बोलिए, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई के बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। एक पार्ट प्रूव करने के बाद दूसरा पार्ट अधिकतर 99% में यही होता है कि बाई सी पी सी टी से दूसरा पार्ट आ जाता है। ये था वही सेम वही लॉजिक, प्रीवियस क्वेश्चन का लॉजिक है कि ऐड करने के लिए पूरा एंगल बनाने के लिए एक बीच एंगल में गैप रहेगा, उसको दोनों साइड ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा हमें ट्राइंगल कांग्रेंट हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एक ट्राइंगल बनाना है राइट एंगल एट सी, ए बी सी एक राइट एंगल है हमारे पास, ध्यान से देखिए, राइट एंगल एक ट्राइंगल ए बी सी एट राइट एंगल एट सी, उसके बाद क्या बोला गया, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए सी ए बी, ए बी क्या है, हाइपोटेनस है, उसका मिड पॉइंट एम दिया गया, मिड पॉइंट हमने बताया, मिड पॉइंट का मतलब जितना पार्ट ये होगा मिड पॉइंट से ये वाला पार्ट और मिड पॉइंट के उधर वाला पार्ट दोनों इक्वल होगा, दोनों को एक एक बार क्रॉस कर दिया इसका मतलब इक्वल है। गिवन में क्या है वो लिखते चलते हैं, एम मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, बी एम इक्वल होगा किसके, ए एम के या एम ए जो भी बोल लीजिए, और सी क्या है, राइट एंगल है, मतलब एंगल सी क्या है, 90 डिग्री, राइट एंगल एट सी। उसके बाद क्या कर रहा है, सी ज्वाइन टू एम, सी को एम से ज्वाइन किया गया,
और उसको आगे बढ़ाया गया सच दैट पॉइंट डी तक, सच दैट डीएम इक्वल हो जाएगा सीएम के, डीएम को भी सीएम के इक्वल कर दिया गया। वो स्टेट वाले डीएम और सीएम नहीं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो यहाँ पे डीएम सीएम ट्रायंगल में है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। पॉइंट डी ज्वाइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को बी से ज्वाइन कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिगर बनाया हमारे पास 7.23। सो क्या करना है, सो दैट, पहला सो क्या करना है, ट्रायंगल एएमसी ये कांग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल बीएमडी के। सेकंड पार्ट क्या है, एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल, ये राइट एंगल होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, ट्रायंगल डीबीसी को कांग्रुएंट दिखाना है किसके, एसीबी के। और सी और लास्ट पार्ट सीएम को हाफ दिखाना है एबी का। ये हमारे पास चार पार्ट है, ये चार पार्ट प्रूफ करना है हमें, ये शो करना है। फर्स्ट पार्ट ये ट्रायंगल कांग्रुएंट, सेकंड पार्ट ये एंगल राइट एंगल होना चाहिए, थर्ड ये पार्ट और फोर्थ ये पार्ट। देखिए हमारे पास करेंगे करने का तरीका क्या होगा, हमारे पास जो गिवन है ये दोनों लाइन इक्वल है, ये दोनों लाइन इक्वल है, तो हमें शो क्या करना है, ए एम सी ये वाला ट्रायंगल किसके कांग्रुएंट दिखाना है, बी एम डी के ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों को आपस में कांग्रुएंट दिखाना है। कांग्रुएंट दिखाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब एक या तो साइड मिल जाए या तो इन दोनों के बीच में एंगल मिल जाए। ये साइड तो इस साइड के इक्वल नहीं है, ये तो इसके बारे में दिया ही नहीं है। तो हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वैसे ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब ये साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए, ट्राइंगल कांग्रुएंट। यही चीज़ लिखना है। फर्स्ट वाले का प्रूफ कितना आसान है, क्या हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल पहला वाला ट्राइंगल कौन सा लेना है, बी एम डी ट्राइंगल कौन सा है, बी एम डी। दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल AMC, इन दोनों ट्राइंगल में कांग्रुएंट दिखाना है। अब इस वाले की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है, मतलब BM इक्वल है किसके, BM इक्वल है किसके, MA के। ये गिवन है, मिड पॉइंट था इसलिए क्या हुआ, इक्वल हुआ, ये गिवन है। उसके बाद हमने क्या किया, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाया, एंगल कौन सा, BMD इक्वल किसके है, एंगल AMC के। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक और साइड DM इक्वल है CM के, DM इक्वल है किसके, CM के। ये भी क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था कि ऐसा बढ़ाया गया कि इक्वल है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, BMD ये कांग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल कौन सा था, अब हमें ये शो करना है। तो बी किसके इक्वल है, ए के, MM के इक्वल है और MM के इक्वल है DC के इक्वल है। तो हम D की जगह क्या लिख सकते हैं, C, D की जगह C लिख सकते हैं, M की जगह M और A की जगह B। इसका मतलब जो दिखाना था हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया, AMC, B की जगह क्या लिखना है, AMC। तो BMD एक कांग्रुएंट हो गया किसके, AMC के। अब इसका सेकंड पार्ट हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है क्या, DBC राइट एंगल होगा, DBC राइट एंगल होगा। तो DBC को राइट एंगल दिखाने के लिए यहाँ पे ये एंगल हमें शो करना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री। उसके लिए एक हल्की सी हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, इसी की, कांग्रुएंट हमने दिखाया है। तो कांग्रुएंट दिखाने से हमें क्या मिला, कांग्रुएंट से इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल हो गए। हम ये शो कर देते हैं, हम दिखा ये देते हैं
कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। क्यों इक्वल है? क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ऐसे दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये लाइन क्या हो, पैरेलल है और ये कट कर रही है, तो अगर पैरेलल होती है तो एंगल इक्वल होते हैं। अगर एंगल इक्वल है तो उसी का कन्वर्स बोल सकते हैं कि ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है। अगर पैरेलल होती है तो लाइन आपस में इक्वल होता है। अब इसको बोल सकते हैं क्या, हमारे पास एंगल सी इक्वल है किसके, सी की जगह क्या लिखा है, सी की जगह क्या लिखा है हमारे पास, हमारे पास क्या है, एंगल बी, ट्राइंगल क्या था, बी एम डी, कांग्रुएंट किसके हो गया था, बी एम डी ए एम सी के, ए एम सी के। तो इसका मतलब बी एंगल इक्वल है किसके, ए के। तो एंगल बी को एंगल ए के इक्वल दिखा सकते हैं, मतलब एंगल डी बी एम इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एम ए सी के बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से बोल सकते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट था, तो इसका मतलब इसके ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके इस एंगल के, मतलब एंगल बी इक्वल होगा एंगल ए के, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी ये दोनों लाइन, इसका मतलब 10। अब कर ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन पैरेलल होगी। कौन कौन सी लाइन, डी एम डी बी, डी बी पैरेलल होगी किसके, एसी लाइन के, एसी लाइन के पैरेलल होगी। अब पैरेलल हो गई तो पैरेलल लाइन के बीच में ये लाइन कट कर रही है, अगर ये बीसी को ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं तो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। दो पैरेलल लाइन के अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो दोनों एंगल एक ही साथ के, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी दोनों का सम क्या होगा, एंगल बी और सी दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो चुकी हैं, पैरेलल हो गई हैं, इसका मतलब ये लाइन कट की, तो इस एंगल का सम इस एंगल के सम के 180 होगा। अब एंगल बी इसी को दिखाना है, एंगल बी क्या है, एंगल डी बी सी, और एंगल सी की वैल्यू 90, क्वेश्चन में ही दिया गया है, गिवन में ही है कि एंगल सी की वैल्यू क्या है, 90 है, तो ये 180। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो डी बी सी की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 90 माइनस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90। ये सेकंड पार्ट प्रूफ था, ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ था। अब थर्ड क्या दिखाना है हमें, डी बी सी को कांग्रुएंट दिखाना है ए सी बी को, डी बी सी ये वाला ट्राइंगल कांग्रुएंट दिखाना है ए बी सी इस पार्ट के। अब इसको कांग्रुएंट दिखाने के लिए हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये चीज़, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या थे, कांग्रुएंट, छोटे वाले ट्राइंगल, तो बड़े वाले को दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसी का सी पी सी टी, इस ट्राइंगल का अब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा और ये साइड क्या है, कॉमन है, और अभी दिखाया है कि ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इन ट्राइंगल कौन से है, ट्राइंगल डी बी सी को कांग्रुएंट दिखाना है किसके, ट्राइंगल ए सी बी के। अब हमने क्या किया, डी बी हमने इसका डी बी पार्ट इक्वल लिया किसके, डी बी ये वाली साइड इक्वल है ए सी के, ए सी के क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट दिखाया था, यहाँ से डी बी इक्वल है किसके, ए सी के, डी बी किसके इक्वल है, डी बी किसके इक्वल है, ए सी के, क्योंकि अभी हमने कांग्रुएंट प्रूव किया है, कांग्रुएंट प्रूव किया है, इसका मतलब डी बी इक्वल है किसके, ए सी के, डी बी ए सी के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल भी आपस में कांग्रुएंट थे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने एंगल दिखाया, हमने एंगल कौन से, डी बी सी एंगल, ये इक्वल हो गया, इसके बाद हमारे पास एंगल ये इक्वल है, एंगल ये कौन सा है हमारे पास, डी बी सी, डी बी सी इक्वल है किसके, ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, दोनों क्या है 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है इसलिए इक्वल है। अभी इसे 90 डिग्री दिखाया और ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये 90 है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमें साइड मिल गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये एंगल मिल गया, और ये बी सी साइड क्या है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और बी सी साइड पे ये वाला ट्राइंगल भी बना है,
तो बी सी साइड बी सी के इक्वल है क्योंकि दोनों क्या है कॉमन है, कॉमन है तो इसलिए क्या हो गया बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल जो दिखाना था हमें, ट्राइंगल क्या दिखाना था डी बी सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना था किसके, ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल कौन सा ए सी बी, ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसको नोट कर लीजिए ये तीनों को, फिर इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर इसी का फिर फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट इसी का हमें क्या दिखाना है, सी एम को 1/2 दिखाना है ए बी का, सी एम 1/2 होगा ए बी का। अब यहाँ पे दिखाने के लिए सी एम को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सी एम को दिखाने के लिए इसी ट्राइंगल का, इसी ट्राइंगल का यूज करेंगे, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके फोर्थ इसी का यूज करेंगे, क्या सी एम को दिखाना है, सी एम ये है ए बी का, तो ए बी इस ट्राइंगल में आ रहा है और सी एम इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो इसका मतलब बाई सी पी सी टी से क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा सी डी, सी डी किसके इक्वल हो जाएगा ए बी के, ए बी के इक्वल हो सकता है, और हमारे प्रूफ में क्या लाना है ए बी लाना है, तो इसलिए सी डी ए बी के इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अरे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए बी, ए बी यहाँ पे लिखा है, ए बी किसके इक्वल होगा सी डी के, ए बी सी डी के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। अब इसके बाद क्या हुआ, हमें सी एम लाना है, सिर्फ सी डी नहीं लाना है, अब सी एम सी डी को क्या लिखते हैं, सी एम प्लस सी एम डी एम प्लस सी एम, सी एम यहाँ तक है, फिर उसमें अगर डी एम को ऐड करेंगे तो पूरा सी डी हो जाएगा, तो इसका मतलब सी डी को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस डी एम, सी एम को डी एम में ऐड करेंगे तो क्या होगा सी डी बनेगा, क्योंकि सी से एम तक यहाँ तक है, फिर एम से डी तक यहाँ तक है, पूरा ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा सी डी बनेगा, सी डी बन गया। और ए बी में कोई चेंज नहीं करना है, ए बी में क्यों नहीं चेंज करना है, क्योंकि ए बी की जगह ए बी आ ही रहा है, हमें सी एम लाना था। अब यहाँ पे सी एम है और यहाँ पे डी एम है, हमने क्या दिखाया था स्टार्टिंग में, गिवन में ही लिखा था कि सी एम डी एम के इक्वल है, तो मतलब डी एम की जगह क्या लिख सकते हैं सी एम, क्योंकि सी एम और डी एम आपस में क्या है इक्वल है, तो सी एम की जगह क्या लिख लिया हमने डी एम लिख लिया, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे, गिवन ही था, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए मार्क भी किया है कि ये डबल है ये डबल है, तो इसका मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल था, तो डी एम की जगह सी एम लिख लिया, ये किसके इक्वल है ए बी के। अब सी एम में सी एम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 CM हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा ए बी के। अब सी एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 × में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा हमारे पास प्रूफ, यही फोर्थ पार्ट लाना था, ये क्या है फोर्थ पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट का प्रूफ ये रहा, सेकंड ये, थर्ड ये, और ये फोर्थ पार्ट हमारे पास। ऐसे करके हमने 7.1 सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की है, सारे क्वेश्चन किए हैं, इसको फिर से स्लो करके रिपीट कर लीजिएगा, अगर कहीं समझ में आएगा फिर से बार बार रिपीट कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने सीखा है, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना सीखा है, तो क्वाड्रिलेटरल वाले एक्सरसाइज आराम से हो जाएगा, इसलिए इनको फिर बार बार रिपीट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।